सर मेरे पे आरोप है कि लड़की लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद में वो ससुराल चली गई, नाबालिग लड़की थी, तो वो वहाँ पे जाके 1092 को कॉल कर दिया, कॉल करके वो उसकी टीम आई, उसको साथ ले गई और उसको कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट पेश करने के बाद गांव में शाम को मीटिंग हुई तो बोले कि ये लड़का इस मामले में पूरा हाथ है और इसने कॉल किया है, उस लड़के को इसने उपसाया कराया है, ये सारा लड़का मेरा काम है। तो गाँव वाले ये बोल रहे हैं उस लड़के को मेरे पास भेजो। मैं रात को था नहीं, मेरे परिवार वाले को सभी को मारपीट ने कोशिश धमकी दी और पानी आनी सब बंद कर दिया, मकान का ताला लगा दिया, खेत में जाना नहीं है और आज रात का लास्ट टाइम दिया हुआ है, क्यों अगर उस लड़के को भेज दो नहीं तो तुमको नहीं रहने देंगे। और आप या तो गाँव वाले पूरे आप परिवार वाले लिख के दे दो उस लड़के के बारे में, क्या उनसे कोई रिलेशन नहीं है, हम जाने हमारा काम जाने। फिर मैंने तो किया नहीं ये काम, गाँव वाले शक है तो मेरे पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तूने किया है तेरे काम है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है, मैंने कोई नहीं किया, कर देता तो मैं उसकी शादी के टाइम कर देता ये काम। कौन से लोग हैं, कौन से गांव के हैं? चावंडे गांव के। कौन कौन है गांव में? राकेशपुरी है और जगदीशपुरी है, ये गांव के करके पूरे गांव वाले को उपसा रहे हैं कि इस लड़के का हाथ है इसके माई। अब आपको गांव से बाहर निकाल दिया? हाँ निकाला नहीं है अभी, आज से लास्ट टाइम दिया, आज का टाइम दिया, ताला तोड़ देंगे, आज लड़के को हमारे हवाले कर दो नहीं तो कल हम आप रात से ही फरार करा देंगे आपको घर वाले को। आज का टाइम लास्ट दिया। तुम्हारा नाम? मेरा नाम आनंद वैष्णव है। कोई कानून का राज नहीं है, ये पंचायती दादागिरी की है, दादागिरी करके हमको ठोकना मारना करने की जरूरत है, एर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश है, वो रात को नहीं, रात को अगर वहाँ हाजिर कर देते तो इनको मारते बहुत बुरी तरह से, इसलिए इसको भगा दिया मैंने। हमने क्यों कानून से, क्या वजह क्या है इसकी? वजह वो लड़की की वजह है, वो लड़की की शादी कर दी, पहले कुछ मामला हुआ तो मैंने बता दिया भाई आ बात हुई तो थाने में रिपोर्ट कर दी, थाने में रिपोर्ट करने के बाद में फैसला हो गया। अभी एसपी साहब से मिले क्या कहा? अभी मिले क्या कहा एसपी साहब? एसपी साहब ने किया कि भाई के जो इसके मारपीट की है इसका नाम है जिसको अरेस्ट कर लो और बाकी गाँव में समझा दो कि किसी भी हरकत नहीं करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम शिव प्रसाद है।